गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो देखो ये गाड़ी है अल्टो 800। ये हमारे रिहान भाई एक्सपर्ट। जो भैया इस गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है थोड़ा सा ये बताइए। इसके जो पेडल है चलाते हैं गाड़ी, जैसे रेड लाइट पे हमने हल्की स्लो करी, स्लो करने के बाद ब्रेक जो लेते हैं हम, तो उसको पेडल बिल्कुल हल्के हल्के डाउन हो जाता है, प्रॉपर गाड़ी पकड़ नहीं कर पा रही है। करके दिखाना जरा, ये जो चीज है ऐसे नीचे जा रही तो जा रही है, देखो ब्रेक। हाँ, ये पूरा देखो नीचे जा रहा है, पूरे नीचे चला गया, जबकि काम करना चाहिए प्रेस करके इतने पे हल्का गैप होता है, इतना होता है, जबकि नीचे तक जा रहा है पेडल। नीचे तक देखो भाई, नीचे प्रॉपर गया, नीचे देखो कितना गैप है। ठीक है, तो अब इसको डायग्नोस करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं सब बताएंगे। इसके अंदर ब्रेकों का काम होगा, पहले क्लीपर चेक होंगे इसकी, और इन्होंने भाई साहब ने क्या है कि मिस्त्री से अभी काम कराया था, तो इसके अंदर ब्रेक शू डलवाए थे। हाँ, पिछले वाले तो प्रॉपर तरीके से वो सेट नहीं हो पाए अभी। सेट का मतलब जो व्हील सिलेंडर होते हैं वो भी जाम होते हैं, उनके अंदर गैप भी होता है और इसकी एडजस्टिंग भी होती है ब्रेक की, तो प्रॉपर तरीके से वो एडजस्टिंग नहीं हो पाई, उसकी वजह से पेडल डाउन जा रहा है। चलो अभी ब्रेक खोलेंगे फिर दिखाते हैं। उसके बाद ब्रेक खोल के अभी चेक करके फिर बता दो फॉल्ट है कहाँ। एक ही जैक पे उठ गई पूरी गाड़ी है, तो पीछे वाली सोकर भी खराब हो गया। हाँ, सेकंड हैंड लिया ना भाई। अच्छा, ये सोकर भी खराब है इसका। ये जो अंदर साइड की जो लाइन है, बाहर साइड की प्रॉपर ठीक है, अंदर साइड की जो लाइन है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, हाँ तो ये सोकर की वजह होती है, जो सोकर की वजह से टायर खाने लग जाती है, जैसे कि ये लीक है, बिल्कुल खत्म है। अच्छा, स्प्रिंग पे झटका मार मार के अंदर साइड जाती है। देखो भाई, डस्ट निकल रही है इसमें से नीचे। नए ब्रेक शू में इतनी डस्ट। इस ब्रेक निकालने के चक्कर में पता है क्या करते हैं, इसे निकालना है, इसको उल्टा टायर करके निकालते हैं, तो एक साइड चोट मारे तो बेयरिंग टूट जाता है। अच्छा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से खींच नहीं पाता, क्योंकि एक साइड चोट मारे तो एक साइड अड़ेगा ना। ठीक है, टूट जाता है ये बीच का जो बेयरिंग लगा होता है, इसे प्यार से निकालना चाहिए। हां, थोड़ी मार के पहले फ्री करना चाहिए इसको, फ्री करने के बाद हल्के हल्के हिला लगा के इस तरीके से निकालना। ठीक, ये है पूरे ब्रेकिंग इसकी पीछे की। ठीक है, अब इसमें एडजस्टिंग की दिक्कत है सर, अभी देखते हैं प्रॉपर सिलेंडर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सिलेंडर है इसके, जैसे हम ब्रेक करते हैं पेस्ट तो ऐसे फैलते हैं। ठीक है, ये जाम पड़े हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, जाम नहीं है। हिल रहे नहीं, जब कितने फ्री होते हैं जब ब्रेक जब दबाते हैं हम, तो ये चीज दोनों फैलती है। ठीक है, तो ये जाम पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से प्रेशर यहाँ तक आ रहा है, और ये इसके अंदर जो पिस्टन होती है वो जाम हो चुकी है। तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जाम है। जब ये आपके मिस्त्री ने किसी ने काम करा था आपकी गाड़ी का ना, वो वहाँ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उसने ब्रेक शू तो चेंज कर दिए। हाँ, सिलेंडर नहीं, ऊपर जो है ना दिक्कत दूर नहीं करी इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सिलेंडर का मतलब क्या होता है, हम ब्रेक मारते हैं तो वहाँ से ऑयल आता है इस प्रॉब्लम से, जब ऑयल आएगा तो ये प्रेस करेगा तो ये फैलेगा तो इसमें ब्रेक शू इसमें चिपकेगा, ब्रेकिंग होती है। अब ये क्या, ये जाम पड़ा है तो प्रेस कर ही नहीं रहा, पैडल क्या है हल्के डाउन हो जाएगा, प्रेशर पूरा मार रहा है, पैडल मारेंगे प्रेशर पूरा होगा इसके अंदर। ठीक है, दबाएंगे प्रेस पूरा आएगा, पर यहाँ से फैल ही नहीं रहा, तो पैडल हल्के डाउन होगा। ये चीज पड़े तो प्रॉपर जहाँ रुका होगा वहीं को ही रुकेगा। तो ये सिलेंडर नया पड़ेगा? हाँ, नया चेंज होगा। ठीक है, कोई नहीं, बंदे रिपेयर भी करते हैं। हाँ, जैसे डीलर की गाड़ी होती है, वैसी गाड़ी कोई हो जुगाड़बाजी करनी हो यार दोस्त की या कस्टमर से, जैसे आप नहीं होते दुकान पे। हाँ, तो पीछे से हमें पैसे कमाने होंगे, क्या करें इसको निकालूंगा। हाँ, कोई नहीं कर पाता। हाँ, कलाकार ही बंदा कर पाता। इसको निकालूंगा, इसको निकाल के धोकर पिस्टन रेक मार के क्रिशिंग करके ऑयलिंग कर दूंगा इसको।
प्रॉपर काम करेगा, काम करेगा। एक हफ्ते बाद, दो महीने बाद, एक महीने बाद जैसे भी है, ये फिर दिक्कत दूर कर देगा। हाँ। फिर ये ब्रेक शू सब डला देगा, फिर खर्चा कस्टमर बढ़ेगा। हाँ। वो गलत चीजों से पैसे कमाने वाले हरकत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रॉपर तरीके से चेंज। इस वीडियो में बताया कि इसको निकालना किस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीका ये निकालने का। पहले इसको क्या है, हथौड़ी मार के फ्री करा जाता है, ठीक है। कई कस्टमर क्या होता है, उल्टा टायर लगा दे, तोड़ देते हैं। प्रॉपर तरीके से नहीं करना चाहिए। ये है प्रॉपर तरीका, ये हथौड़ी मारी, इसमें दो हथौड़ी इधर, दो हथौड़ी इधर, दो हथौड़ी इधर, ऐसे मार के इसका क्या, बैरिंग का जो है जॉइंट छूट जाता है, ठीक है। जो बैरिंग जाम होता है छूट जाता है, ठीक है। ना बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है। हाँ, बहुत सावधानी से, क्योंकि बंदे क्या है, निकाल के ना रिक्स में वो तोड़ देते हैं। ये लो, इसमें कस्टमर के जाता है कि मैकेनिक कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। हाँ। सीधा बोलता है जी बैरिंग टूट गया, मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है, लेकिन बैरिंग बचाई जा सकती है, बचाई जा सकती है, तरीका ही है, तरीका ही है। यस, ठीक 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 ठीक। प्रॉपर तरीके से बाहर आ गया, ठीक है। ये चीज होती है निकालने का तरीका, ठीक। कई बार क्या होता है, ये होता है बैरिंग, ये दिख रहा है बैरिंग आपको, ठीक है। ये क्या, दो कॉन बैरिंग होता है, बैरिंग है। एक ही होता है। हाँ। और दो कॉन होते हैं इसके अंदर, अच्छा। एक अंदर एक बाहर के, ठीक है। अंदर वाली कॉन टूट जाती है, क्योंकि टेढ़ा जब निकलेगा तो टूट जाती है, टूट जाएगी, सही बात है। अब दिखाया था स्पीड में, वो सिलेंडर जाम है। हाँ। इसको चेक करते हैं, ये जाम है, सही है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है प्रेश हो रहा है, वापसी जा रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है ना, ये देखो, ये देखा, ये देखा। अब ये सिलेंडर ऐसे वापसी हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये सही है। इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है अपना, दिख रहा है आपको, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये साफ भी है, ये साफ की गंदगी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। प्रॉपर क्या है, इसके अंदर ये रबड़ लगी हुई है, सील है, इसके अंदर गंद जाएगा ही नहीं, जाएगा से बाहर से मिट्टी में कितना भी सड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर जाने का रीजन ये है कि ये कवर लगा हुआ है इसका। ये कवर इसलिए लगाते हैं इसके अंदर अंदर ना जाए मिट्टी, बाहर तो जो डस्ट है ये गलता है, घिसता है, तो ये सारी डस्ट इसके अंदर आती है, दिख रहा है ये सब डस्ट। तो ये प्रॉपर उधर हमने करा था, नहीं हो रहा था, लेकिन ये इधर करा तो चल रहा है, तो ये वाला कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, काम को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो सिलेंडर खराब है, और इसकी एडजस्टिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गैप है थोड़ा सा। हाँ। जो मेरे को दिख रहा है इसमें नहीं दिखेगा, बहुत बारीकी सा गैप है, कोई बात नहीं, इसके अंदर जो गैप। अच्छा, अभी आप सेट करोगे तो गैप सेट कर दोगे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो एडजस्टिंग ये होती है, ये जो काटिंग होती है इसकी। हाँ। तो ये लॉक होता है अंदर, अच्छा, ये छोटा सा है, ये लॉक होता है इसके अंदर, ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कटिंग है इसके, यहाँ पे घिस घिस के थोड़े से एडजस्टिंग फैलाई जाती है, जहाँ प्रॉपर होती है वहीं पर लॉक करी जाती है, अंदर लॉक है इसका, ठीक है। बस ये प्रॉपर तरीके से ये होती है ब्रेकिंग। चल, नया सिलेंडर आ गया भाई ये रहा, और अब इसको डालेंगे KBX कंपनी का। ये भी जेन्युइन में ही आता है ना? हाँ, जेन्युइन में आता है, क्योंकि पहले जो जितनी भी गाड़ी थी, तो पहले जो गाड़ी थी पहले यही कंपनी यूज होती थी हर गाड़ी में, KBX। अब क्या है कि नए नए भाई कंपनी खुल गई है, किया है, वैसे वैसे किया में भी होंडा के पार्ट करता था, होंडा गाड़ी में। हाँ। बाकी और कंपनी बहुत सारी है जो मिल जाती है, पहले पहले गाड़ियों में यही आता था KBX का। चलो, अब ये डालेंगे इसके अंदर। कई बार क्या होता है, इसे निकालने चक्कर में बंदे बैठे होते हैं, ब्रेक शू खोल देते हैं, ये सारी फिटिंग खोल देते हैं, वो नहीं खोलनी चाहिए। ये प्रॉपर खोलने के बाद क्या है, ये बोल्ट खोलने पीछे से ऐसे निकाल देते हैं, ज़्यादा फिटिंग नहीं, जल्दी काम हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। ये है जाम, ये देख लो कितना जाम है, ये मूव ही नहीं कर रहा, ये पूरा दबने से भी नहीं दब रहा, पूरा जाम। और ये देखिए पानी की तरह दबे, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक सेकेंड, ये देखो KBX का ही निकला है। KBX का ये क्या चाहिए, कौन पे ले लेती है, क्या चाहिए, क्या हुआ, क्या चाहिए बताओ, परेशानी आती है जब भी बारी बारी से आता है बोलता है। कई बार क्या है, कस्टमर अपनी भाषा समझा के भेज देते हैं, कस्टमर संतुष्ट हो जाता है, पर वो समस्या दूर नहीं होती सर की, वो नहीं है। हाँ।
इसमें कम है ना अभी? ये कम है, फ्रेश ऑयल बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर क्या कर रखा है, इंजन ऑयल डाल रखा है किसी ने। देखते हैं, तो भाई रियान भाई ने इस गाड़ी की प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। और इस गाड़ी के अंदर जो चीजें मैंने बताई वो सारी हैं। भाई क्या कहना चाहोगे इस पे वीडियो पे? जिस तरीके से पीछे वाले किसी मैकेनिक ने इनमें ब्रेक शू डलवाए थे, तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। ब्रेक शू जिस तरीके से खराब हुए, किस कोई कारण होता जब भी खराब होती कोई चीज, मतलब ब्रेक शू लगा दिए, सिलेंडर नहीं चेक किया, सिलेंडर चेक नहीं किया, वो सिलेंडर जानता है, इसी की वजह से पैडल डाउन हो रहा है, कस्टमर को परेशानी आ रही थी। जब परेशानी आती कस्टमर जब भी बारी बारी से जाता है। एक चीज और है रियान भाई, जैसे मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे पैडल डाउन जाने लगता है, लोग सोचते हैं मास्टर सिलेंडर खराब है। जी जी, मास्टर सिलेंडर का खर्चा आपको भी पता है ज्यादा आता है। जी जी, ठीक है, आपने इतना बड़ा खर्चा बचा लिया, एक छोटा सिलेंडर चेंज कर दिया। जी जी, ठीक। कोई प्रॉब्लम अगर सोल्व किसी के पास नहीं हो पाती, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ, एक से एक अच्छा मिस्त्री पर ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा, पर ये है कि जो जल्दी से प्रॉब्लम किसी की समझ में नहीं आती, वो चांस थोड़ी सी टाइम निकाल अगर हमारे पास दोगे वो प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये देखो काम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम ठोक के करते हैं और भाई जो मेहनत होती है वो इनकी बनती है। ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई अगले ने टाइम दिया है। ठीक है, तो यहीं करता हूँ वीडियो का एंड। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो कि अगर आपकी तो कैसे क्या चीज़ हो सकती है, और ये सारी चीज़ें आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो लेकिन चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो घर पे मत करना। ठीक है, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं जैसे रियान भाई, ऐसे भाइयों के पास आओ और काम कराओ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।